वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और बैकग्राउंड देख रहे हो, सारा चेंज है। समझ ही गए होंगे कि मैं छत पे आई हूँ। तो आज जो वीडियो है, आज की वीडियो मैं छत से यहाँ पे टॉप फ्लोर से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो भी मेरी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, दादी फिलहाल नीचे मेरा वेट कर रही हैं, तो मैं दादी को भी आज छत पे लेकर आ रही हूँ। एक्चुअली ना उनसे प्रॉपरली चला नहीं जाता, तो चलिए मैं हम उनको ले आती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। राना राना कौन है? तो चढ़ो और उधर हो जाओ। राना राना बस रुक रुक के चलो, रुक रुक के चलो। राना जी अच्छा चलो, राना चढ़ो ऊपर। तो यहाँ पर मैं दादी को आराम से थोड़ा ऊपर छत पे लेके आ रही हूँ सीढ़ियों से, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं दादी, उनसे चला नहीं जाता। तो अभी फ़िलहाल मैं पीछे थी और दादी आगे आगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाई चांस उनका पैर बिगड़े या बैलेंस बिगड़े और वो एकदम से गिर जाए, इसलिए मैं पीछे थी। उन्हें आसानी से आगे चढ़ा दिया। और यहाँ पे उनके कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ये मैं जब गिरी थी उससे पहले इन पौधों को लगाया था मैंने, उसके बाद मैं वापस छत पे नहीं आई। और यहाँ पे काफ़ी गंदगी मची हुई है छत पे, क्योंकि हम आ नहीं पा रहे थे, तो अब हमें टाइम मिला था तो हम छत पे आ गए थे। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इजीली देख सकते हो कि दादी बहुत ज़्यादा वीक है, उनसे नहीं चला जाता। तो खाना वाना बनाने में, बाथरूम वगैरह जाने में, उठने बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो इसलिए कोई ना कोई उनके पास ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी और सिस्टर वो नहीं आ सकती हैं अभी, क्योंकि आपको पता ही है सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी बैठते हैं, मम्मी को उसके पास रहना पड़ता है, तो इस वजह से वो भी अपनी जगह मजबूर हैं। बाकी इनके पास किसी ना किसी को तो होना चाहिए, तो बुआ थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो बुआ भी नहीं आ सकते अभी, वो 2-3 महीने बीच में लगा के गए हैं। तो यार जिनकी अपनी अपनी घर गृहस्थी होती है, तो फिर वहाँ से हट के दूसरी जगह पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैं थोड़ा इन लोगों के पास थी और मेरी फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख लो अभी फ़िलहाल दादा देखो, तो जैसे थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे फिर नॉर्मल रूटीन हो जाएगा सबका। तो बस दादी को साइड पे मैंने लेटा रखा था और यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी इस वाले रूम में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोग आए ही नहीं थे छत पे, तो धूल में हम लोग नहीं टाइम दे पाते, और तो वहाँ पे रुक क्या हालत हो जाती है, मतलब मैं प्रॉपरली आपको बता नहीं पा रही हूँ कि यहाँ की हालत क्या है। तो बस थोड़ा सा हेल्प जितनी हो सकती है मुझसे मैं कर रही हूँ, बाकी काम वाली आंटी जो है वो नीचे ही मतलब काम करती हैं, यहाँ पर ऊपर हम उन्हें बहुत कम बोलते हैं कि आए। तो बस मैं थोड़ा यहाँ पर काम वाम निपटा के फिर दादी के साथ नीचे जाऊँगी। और अब मैं यहाँ पर पौधों को पानी डालना स्टार्ट कर दूँगी, और यहाँ से सारी अंदर से बाहर से सारी सफाई करनी थी, तो वो भी अब मैं कर रही हूँ फिलहाल। पहले झाड़ू लगा के सारा यहाँ से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद में पानी डालती हूँ। और यहाँ पे जितने भी दादी के जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर यहाँ पे ना गुलाब के पौधे हैं, तो जब उन पर गुलाब खिलेंगे ना अभी जब बारिश वारिश का मौसम आएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हाँ, कभी मौका मिला तो लाइव में भी ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद में अब मैं यहाँ पर जो है प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। हाँ जी, तो फाइनली मैंने साफ सफाई कर दी है, रूम थोड़ा क्लीन कर दिया मैंने। यहाँ पर जो ये फोल्डिंग बिछा हुआ था इसको मैंने उठा दिया, ये यहाँ बिछा हुआ था तो यहाँ से उठा दिया मैंने, सारा साफ सफाई कर दी है। और दादी गई, दादी इधर बैठी थी तो दादी गई फिलहाल, तो मैंने बोला कि चलो मैं आपको पहले नीचे छोड़ाती हूँ,
और फिर आराम से आप लोगों से बात बात करके और फिर जाऊंगी नीचे, ठीक है ना। अभी फिलहाल थोड़ा सा पानी पीती हूँ, उसके बाद ये है दादी का ऊपर वाला रूम जो कि हमेशा खाली रहता है था, खाली रहता है, अब रहता है, पहले नहीं रहता था तो अब रहता है ये खाली। तो यहाँ पे बैठने बैठने के लिए गर्मी में अभी शाम के टाइम जैसे आ जाते हैं कभी कभार इधर, तो थोड़ी साफ़ सफाई हो जाती है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जो है ना वो शाम को आता है, तो शाम को भी आया था बट मैं फ़ोन को सेट कर लूँ पहले। तो मनराज ना शाम को भी आया था, तो मनराज आया था शाम को, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। उससे बात बात करने लग गई, खेलने लग गई तो टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से थोड़ा थक गई थी मैं, तो खाना वाना मंगवाया, खाया और फटाफट निकल गए हम लोग। और देखो मैं नेल पेंट लगा लिया है, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर मुझे। ये पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है और ग्रे कलर तो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है ये मेरा कलर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने इस तरीके से लगा लिया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको आज दिखाती हूँ बाहर कितनी कड़कड़ाती धूप है। लोग कह रहे हैं कि ना अप्रैल है अभी इतनी गर्मी नहीं है, ये है वो है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा गर्मी है और कितनी तेज़ धूप है बाहर, कितनी तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि बस हालत ख़राब है। हवा तो चल रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, आप सामने देख रहे होंगे, इधर की तरफ देखना थोड़े थोड़े ये कपड़े उड़ रहे हैं, लेकिन हवा होने के बाद भी ना इतनी तेज़ गर्मी है। देखो मैंने यहाँ पे सारी छत धोई थी ना, देख रहे हो कैसे सूख गई है एकदम, जहाँ छाया है वहाँ पे इतनी नहीं सूखी है, जहाँ धूप है वहाँ देखो एकदम सूख चुकी है। हाँ जी, तो गर्मी के चलते हुए खैर मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि गर्मी भी स्टार्ट हुई है तो अभी प्लीज़ कोई ऐसा रिस्क मत लेना अपनी सेहत के साथ कि फटाफट ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर दो, फटाफट आइसक्रीम गोले ये वो खाना शुरू कर दो, ये सब चीज़ें अवॉइड करो क्योंकि कोरोना वापस आ चुका है और इतनी जल्दी फैल रहा है, इतनी जल्दी फैल रहा है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में तो बुरी हालत हो चुकी है, अभी मैंने कल न्यूज़ देखी थी तो अक्षय कुमार, गोविंदा और एक था यार मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों को भी कोरोना हो चुका है। और हाँ जिन कौन थे यार, वो वरुण धवन है या मुझे आदित्य है, मुझे कुछ इनमें से कुछ कन्फ्यूज़न है, तो अभी अभी जस्ट उनकी कुछ टाइम पहले शादी हुई है, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को भी कोरोना हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी जो है कोरोना फैल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि कई लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, जो सेफ्टी पहले कर रहे थे एकदम स्टार्टिंग में, अरे हैंड वॉश करो, अरे मास्क लगाओ, ये करो वो करो, तो वो सब चीज़ें अवॉइड कर दी हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। मेरा मनराज एक सेकंड देखो मैं दिखाती हूँ आपको, हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है हवा, हवा कितनी तेज़ चल रही थी तो मैंने सोचा जल्दी से दिखाती हूँ आपको, हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन जितनी तेज़ हवा चल रही है ना उस हिसाब से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो मैं जैसे कि बता रही थी कि जैसे हम मनराज को लेके जाते हैं ना तो हम उसको भी मास्क लगाते हैं, तो वो कई बार ना यहाँ तक कर लेता है, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ तो नाक तक उसको पूरा मास्क पहना के रखते हैं। छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ही देखना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, करीबन 3-4 साल, 2-2.5 साल के बच्चों को, तो उनको जो उनका फेस कवर ही नहीं करते इसी तरीके से लेके चले जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, छोटे बच्चे हैं उनको तो इन सब चीज़ों का नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना, तो हम लोग ही उनको जो है सेफ रख सकते हैं। सो प्लीज़ उनको आप लोग मास्क लगाएं तभी बाहर लेके जाएं, अदरवाइज उसको ना लेके जाएं। तो मनराज मेरा शाम को आता है पूरी सेफ्टी के साथ, पूरा मास्क लगा के पापा के साथ आता है, और जब हम जाते हैं तब भी हम मास्क लगा के उसको लेके जाते हैं, घर जाके हैंड सैनिटाइज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद ही उसको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। तो जो हमने पहले सब चीज़ें कर रहे थे वही चीज़ें अभी हम कर रहे हैं। हाँ बीच में कुछ आदत छूट गई थी सैनिटाइज करने की, बट हैंड वॉश तो हम प्रॉपरली कर रहे थे, सैनिटाइज करने की आदत छूट गई थी, लेकिन सैनिटाइज दोबारा से करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग भी
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज अभी की बकबक बहुत हो गई है मेरी, तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि दादी वेट कर रही होगी कि मैं अभी तक आई नहीं, और उन्हें नहीं पता मैं ऊपर बैठ के अकेली बातें कर रही हूँ। अकेली मीन्स आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। जी तो कैसे हैं आप सभी? सॉरी कल मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपने और काम में व्यस्त हो चुकी थी, और उसके बाद हुआ यूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो थी, तो शाम तक इतनी ज़्यादा थक गई थी कि फटाफट काम निपटाया और बस। और अभी हम सुबह के 10:15 हो रहे हैं, दिखाते हो आपको। तो सुबह के हो रहे हैं 10:15, मैं अभी घर पर ही हूँ, आज अभी गई नहीं हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं गई हूँ। और साइड में आपको छुटकू मैं टोनू दिख रहा है, टोनू छोनू। हेलो कर दो, अच्छे हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय, अच्छे हाय, अच्छे करो हाय, अच्छा हीरो बना हुआ है, हीलो। ये सुबह हमारे साथ ही उठ जाता है, जितने बजे हम उठते हैं उसी टाइम पे उठ जाता है, क्योंकि इसको पता है मम्मा पापा जा रहे हैं तो मुझे छोड़ के जाएंगे, तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मैं तो जस्ट अभी उठी हूँ ब्रश वश करके, और आप लोगों से बात करने लग गई, क्योंकि मुझे अभी अचानक से याद आया कि यार मैंने व्लॉगिंग तो करी नहीं, बात तो करी नहीं आप लोगों से, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट कर दी मैंने। और अभी मैं मम्मी हम पियेंगे चाय, मनराज के पापा किसी काम से बाहर गए हैं, तो जब आएंगे उसके बाद ही हम दादी के पास जा पाएंगे, तो आज थोड़ा सा लेट हो जाएंगे जाने के लिए, बट लंच तक तो पहुंच ही जाएंगे कैसे तैसे करके। तो चलिए चाय पीते। मनराज, अरे अच्छा मनराज, अभी एक बार आप ना सबको यहाँ से उस पांडे तक चल के दिखा दो, आप पे जाओ, वो पांडा को इधर लेकर आओ, जल्दी जाओ। मम्मा नहीं जाएगी, आप जाओ, जाओ सोना। एक बार चल के जल्दी से दिखाओ, अभी उसका मूड नहीं है, बट आपको आने वाले कई वीडियोस में दिखेगा कुछ भागता हुआ मेरा सोना बेटा। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इसने इतना लेट चलना क्यों स्टार्ट किया है, क्या है, क्या वजह नहीं है, तो आप सब जानते हैं। बट अब हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं जब मेरा बेबू चलने लग गया सर। तो चलिए चाय पी के फिर बात करते हैं। तो मेरा मनराज जो है वो खुद ब खुद बेड से उतर रहा है, और आप आसानी से देख सकते हैं कि मनराज आप सबके प्यार दुआ की वजह से देखिए वो अब खुद चलने लग गया है, जिस तरीके से पहले बिल्कुल भी नहीं चलता था अब वो चलने लग गया है। और यहाँ पर लंच की नहीं, ये डिनर की तैयारी हो रही है, और लंच में मैं किसी वजह से नहीं आ पाई थी, तो यहाँ पर ये मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो पूरे दिन भर में आज बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, बस मॉर्निंग में घर पे, और अब शाम को यहाँ पर आके वीडियो शूट किया। तो गाइस आजकल मेरा शेड्यूल कुछ इसी तरीके से बिज़ी रहता है, और तो जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम में मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना वीडियो शूट कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि अब मैंने दोबारा से वीडियो स्टार्ट करी है, तो अपने उस लेवल तक पहुंचने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए दोबारा से वीडियो को उस लेवल तक लेके आने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे कट करते हैं, कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।